हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा रियलमी 12 प्रो फ़ोन है, तो रियलमी 12 प्रो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर शेयर हॉटस्पॉट क्यूआर कोड ऑप्शंस के जरिए कैसे क्यूआर कोड स्कैन करके बिना पासवर्ड के वाईफाई को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, और कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर क्यूआर कोड स्कैन करके वाईफाई नेटवर्क को बिना पासवर्ड के कैसे कनेक्ट कर पाएंगे रियलमी फ़ोन में, तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन शो हो रहे हैं, तो सिंपली आइकन शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपके पास सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप QR कोड स्कैन करके बिना पासवर्ड के वाईफाई को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं और कैसे वायरलेस इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, तो सिंपली सेटिंग्स शो हो रही है तो आपको इस पे जाना होगा और नेटवर्क इंटरनेट सेटिंग्स पे इस पे जाना है। फिर आपको हॉटस्पॉट एंड टेथरिंग पे जाना है, जहाँ से वाईफाई हॉटस्पॉट सेटिंग से ओपन हो जाएगी ओपन हो जाएगी, जहाँ से आपके पास QR कोड आ जाएगा। यहाँ से आपको इस तरीके से पासवर्ड डाल के ओपन कर लेना है। ओपन कर दे, कुछ इस तरीके से QR कोड हमारे फ़ोन में शो हो जाएगा, जिसमें आप QR कोड स्कैन करके बिना पासवर्ड के वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हैं और वायरलेस इंटरनेट भी चला सकते हैं। इसका आप यूज़ करते हैं तो इस तरीके से स्कैन करके किसी भी दूसरे फ़ोन में इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं और चला सकते हैं। एंड आपके पास ये ऑप्शन आता है, देख सकते हैं वाईफाई का, तो यहाँ से आप स्कैनर सेटिंग्स का भी यूज़ कर सकते हैं। स्कैनर आपके फ़ोन में शो हो जाएगा तो फ़ोन के स्कैनर से भी वाईफाई नेटवर्क को बिना पासवर्ड के कनेक्ट कर पाएंगे और वायरलेस इंटरनेट भी आप चला सकते हैं QR कोड स्कैन करके। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें।